गाइस आज एक किशोर का बर्थडे है और हम उसके लिए लेके आ चुके हैं केक। ओए ढांडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू मेरे प्रिय किशोर, हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे विश कर रहे हैं मारने के लिए, अभी पता नहीं बताओ। मेरा बर्थडे है यार, केक निकालने के लिए केक। गाइस आज एक किशोर का बर्थडे, आप फटाफट से लिख दो कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे किशोर। पहली कार थी ना बोले रहो, वो भी दोस्तों अपन ने 10 जुलाई को ली थी। हाँ, 2 साल कम्प्लीट हो गए। फटाफट से यार, कुछ कमी है यार। क्या कमी है? 10 तारीख को एक और गाड़ी लेनी चाहिए। 10 तारीख को एक और गाड़ी? हाँ हाँ, दोनों गाड़ी 10-10 तारीख को। और मैंने कमेंट भी देखा, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। थोड़ी है कि बाकी वाले गाड़ी ले लेंगे वो केक का, तो नहीं यार लेंगे तो आज ही लेंगे। मेरे को चीज़ की कमेंट आ रहे बहुत सारे, तो कमेंट हर वीडियो के अंदर कमेंट आते हैं, कोई नई गाड़ी लो, अच्छी गाड़ी लो, स्कॉर्पियो लो, वो बहुत अच्छी है, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। कौन सी गाड़ी? स्कॉर्पियो। हां, वेटिंग पीरियड बता दो। वेटिंग पीरियड कितना है? 6 महीने। 6 महीने हो या 6 साल हो, गाड़ी लेंगे तो आज ही लेंगे। दोनों गाड़ी 10 तारीख को लेंगे कुल मिलाकर। नाटक मतलब केक खराब हो गया। इसको वापस से गंजा करते हैं सर। गंजा कर रहे हैं। अरे केक काट ले गाइस, ये कौन सी बात है यार, कैसे लेंगे आप बताओ भाई। 6 महीने का है वेटिंग पीरियड, अगर कोई जुगाड़ वगैरह में बिठा देंगे ना तो भी 3 महीने और 4 महीने तो लगभग अपने को वेट करना ही पड़ेगा। 3-4 महीने कोई बात नहीं, फिर भी एक बार कंपनी चल के आते हैं, बात करेंगे उनसे। कौन सा पागल है क्या? अपने पास गाड़ी थी प्यार से, वो तो है लेकिन एक और लेंगे। कमेंट देखो यार, तुम सारे ऑडियंस कमेंट कर दिए स्कॉर्पियो। अरे वो तो हमें नहीं पता है क्या सर, बर्थडे नहीं मनाना है ये बोल रहे हैं। वो गाड़ी के साथ बनाना है। वो गाड़ी कहां से लाए ली है, कहीं से भी लाओ, मुझे नहीं पता। नहीं मैं सोलह जाऊँ यहाँ से। यार गाइस ये देखो जिद कर रहा है। तो गाइस ये है स्कॉर्पियो एन का टॉप मॉडल, और यहाँ पर आप देख रहे हो वेटिंग पीरियड भाई 20 हफ्ते से लेके 75 हफ्ते, समझ रहा? मिनिमम तो 20 हफ्ते और मैक्सिमम 75 हफ्ते है। और तू आज लेने के लिए बोल रहा है, आज कैसे ले? जबरदस्ती और इसका मूड आके इसके ऊपर डाल दो। अरे यार जीत गए तो भाई, भाई अरे कितना भी जुगाड़ लगा ले तो भी लगभग 2 महीने तो रुकना ही पड़ेगा अपने को। हाँ चलो कंपनी को, कंपनी चलो केक काटने चलते हैं। केक वही कटेगा जब गाड़ी बाहर आएगी। उसके लेनी है तुझे गाड़ी? लेनी है आज ही। चलो उसको गाड़ी दिला के लाते हैं। गाइस अरे यार तुम किसकी बातों में आ रहे हो यार? अरे आ जा यार, लेके आएंगे अब तो। कैसे लाओगे? लेके आएंगे क्योंकि अपनी 6 महीने की वेटिंग कैसे रहेगी? करेंगे कोई ना कोई जुगाड़। कैसे करेंगे? मेरी बात सुन, वो अपने है ना कागजात तैयार है, जमीन बेचनी है लेकिन लेके आज ही आएंगे गाइस। ये बोल रहे हैं ना तो किशोर का केक आज अपनी नई गाड़ी के बोनेट पर काटने वाला है। ओए फटाफट से जुगाड़ लगाओ, कॉल वगैरह करो, मेरे पास पैसा निकालो जल्दी। मेरे रोड पे जगह है, मैं जल्दी निकाल सकता हूँ उसको। हाँ वो भी बिक जाएगी, उसकी डिमांड। और मेरी बात सुन, मेरा अजमेर सिटी का प्लॉट है, वो भी बेचेंगे, सब बेचेंगे, सब बेचेंगे, कुछ नहीं रहने वाला भाई। गाड़ी तो लेके आएंगे, गाड़ी चाहिए गाइस 30 लाख की हो, लेकिन हम 35 लाख देंगे उसके, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट लानी आज ही है। तो गाइस हम आ चुके हैं अभी शोरूम, ये रहा महिंद्रा का शोरूम, और आज हम स्कॉर्पियो एन टॉप मॉडल खरीद के ही जाएंगे। खरीद के जाएंगे ना? हाँ चाहिए मेरे को, चाहिए। खरीद के क्या जाएंगे, लेके ही जाने बन रही है। पता नहीं भाई मिलेगी या नहीं मिलेगी भाई, अभी तो हम दबाकर फेंक रहे हैं, अंदर जाके पता चलेगा। चलो आ जाओ। पागल है क्या, बच्चों की तरह खींच रहे गाइस? दिल आ रहा है, रुक तो जा गाइस। भाई 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, और यहाँ पे आप देखो ये तगड़ी वाली जीत चल रही है। सब्जी लेना है क्या यहाँ पे? ये बताना ये चाहिए अभी यार। लग तो अच्छी रही है गाइस, ये है कैसे ले यार इसकी जिद देखो। चल आज एक बार बात कर लेते हैं अंदर, इसको चाहिए ये वाला घोड़ा, अंदर बात करते हैं एक बार क्या होता है। तो गाइस फाइनली हम शोरूम के अंदर आ चुके हैं। मैम हमारे को गाड़ी चाहिए स्कॉर्पियो एन तो भेज। तो चलिए गाइस चलते हैं।
बुढ़ा सुन दे सुमेश सर, हमारे को गाड़ी चाहिए थी स्कॉर्पियो एंड टॉप मॉडल। टॉप मॉडल ऑटोमेटिक या मैनुअल? अच्छा ऑटोमेटिक। मैनुअल अच्छी है ना, सस्ती आएगी? ऑटोमेटिक लेंगे। ऑटोमेटिक मैनुअल तो है ना, पर बस बोले रहो ऑटोमेटिक लेंगे इस बार। अच्छा ऑटोमेटिक लेंगे। वैसे क्या मतलब कितना होगा डिफरेंस दोनों में प्राइस का? मैनुअल जो आएगी वो 26,75,000 की है। अच्छा और ऑटोमेटिक आएगी वो? ऑन रोड बताओ। ऑन रोड ही बता रहा हूँ, 29,32,000। 29,32,000। अच्छा टॉप मॉडल है ना ऑटोमेटिक जी। 4x4। 4x4 एक बार बता देता। तो गाइस बात तो हमने कर ली है, तो चलो भाई क्यों पड़ रहे हैं चक्कर में यार। दो मिनट अपनी गाड़ी टॉप मॉडल है। ये टॉप मॉडल है ऑटोमेटिक। अच्छा बिल्कुल सेम आएगी, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा एडोनेक्स एलेक्सा ये सब इनबिल्ट आ जाएगा सारी चीजें। तो गाइस एक बार आप गाड़ी देख लो भाई अंदर से ना, आपको एक बार पूरा रिव्यू करवा देता है। गाइस यहाँ पर आप देखो किशोर पहले ही आ चुका है। ओए किशोर कैसी लग रही तुझे गाड़ी? भाई एक नंबर, मैं तो यही लूंगा। और ये भी ऑटोमेटिक है, 4x4 भी है। ये चाहिए तुझे? कलर चेंज करेंगे इसका ब्लैक। ब्लैक ब्लैक गाइस पहले बात तो गाड़ी नहीं मिलेगी, अभी तक हमने गाड़ी की बात नहीं की कि आज मिल जाएगी या नहीं। और मुझे पता नहीं मिलेगी, वो भगाने वाला है पक्का। लिख के ले ले तू, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा यहाँ से। अरे यार गाड़ी लेके ही निकल, कैसे मिलेगी भाई मुझे नहीं पता। चलो एक बार बात कर लेते हैं सर से। ओए सर से एक बार बुलाना सर को। तो गाइस अभी है ना हम गाड़ी का कोटेशन निकलवा रहे हैं, देखते हैं कि यार कितना बजट बैठ जाता है टोटल। इसका बर्थडे भारी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा यार। गाइज हम सोच रहे थे हम आराम से गाड़ी लेंगे, यार देखो ये इतनी ज़्यादा जिद कर रहा है, आज हमारे को आना पड़ा। कोई नहीं यार ले लेंगे, आज ही लेंगे अब तो। कौन सी बताएंगे भैया? 30 लाख। गाइस ये थोड़ा ज्यादा बड़ा केक नहीं है यहाँ पे? आप देखो ये तो 30 लाख के लमसम हो रहा है पूरा केक। भाई तेरा बर्थडे है या क्या है? 30 लाख का केक है ये? तो ये भी नहीं है। इसको कोई वापस से कोई बोलेरो दिला नहीं? मेरी बात सुन, बोलेरो ले ले तो। नहीं तो एन ही ले। प्राइस तो देख तू, 30 लाख। कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं भैया के पास। सर गाड़ी मिल जाएगी आज? नहीं गाड़ी वेटिंग पे। वेटिंग पे 4-6 मंथ। गाइज मैंने पहले ही आपको बोला था भाई ऐसे ही बोलेंगे सर को, क्योंकि यार मतलब कि इंटरनेट पे भी हमने देख लिया था वेटिंग पीरियड पर है 4 से लेकर 6 महीने। और तुझे मैंने समझाया था, अब बता क्या करेगा भैया? आप कुछ करो, जुगाड़ो यार। क्या जुगाड़ होगा? जुगाड़ कोई है सर? गाड़ी कोई भी नहीं है अभी, कोई से नहीं, सब वेटिंग पे। तो मिनिमम आप बताओ ना आपके हिसाब से कितना वेट करना होगा? सर वैसे तो 4-6 मंथ है, मिनिमम से मिनिमम 3-4 महीने में करवा। 3-4 महीने मतलब मिनिमम 3 महीना, फिर भी 90 दिन लगेगा। 90 दिन कंपनी यहाँ पे। एक तो देखो भाई 30 लाख रुपए का केक कटवा रहा है, और इसके अलावा बोल रहा है इसको आज गाड़ी चाहिए आज। ये तो है ना तूने मेरे को चैलेंज दे दिया कि 6 घंटे में गाड़ी ले। भाई 12 बजे है ना हम इसका केक कटवा रहे थे, और यहाँ पे आप देखो भाई 6 घंटे में गाड़ी लेने के लिए बोल रहा है, ये कैसे ले भाई? इसको अलग अलग शोरूम में लेके चलते हैं। मेरी बात सुन, टाइम पूरा हो जाएगा, दूसरे शोरूम में चल आराम से है ना। मेरी बात स्विफ्ट मिल जाएगी, स्विफ्ट हाथ वाल मिल जाएगी। छह ही नहीं भाई, मेरे को ये पसंद है तो भाई स्विफ्ट मिल जाएगी ना। नहीं चाहिए स्विफ्ट, तो पड़ी है अपने पास, स्विफ्ट पड़ी है, फॉर्च्यूनर पड़ी है, बोलो। इसको हेलीकॉप्टर ले जाते हैं वो मेले से। हां ये अच्छा रहेगा, तू हेलीकॉप्टर चलाना। रस्सी खींचती उड़ेगा वो, ऐसे रस्सी खींचती है रोड पे चलने वाली है। अरे यार भाई कौन से भैया, कुछ करवाओ ना, जुगाड़ हो सकता है। तो अगर होता तो करवा देता सर। ये तो फालतू आदमी है गाइस, 3 महीने की वेटिंग आप सोचो। चलो भाई अरे चलना। नहीं भैया 90 दिन के लिए भूख हड़ताल में यहाँ से हिलूंगा ही नहीं। वो भैया कहाँ गए, वापस बुलाऊंगा भाई? पार्टी देने दे मेरे को, पार्टी दे दे। रेंज रोवर चाहिए मेरे को इसका। अबे क्यों बेइज्जती करा रहे हो? चलो ना भाई, चारों तरफ बेइज्जती करवा रहे फालतू के अंदर। भाई 3 महीने की वेटिंग बोल रहे आज दो, हलवा थोड़ी है इस बार मिलेगा भाई। फुल वाली हम बेइज्जती करवा के आ चुके हैं, किशोर ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी बेइज्जती करवाने में। और ये देखो और बेइज्जती करवा रहे हैं यहाँ पे, यही बाकी है। थोड़ी बड़ी इज्जत थी ना वो भी चली गई। अब तो पागल हो चुका पूरा, यहाँ से समझ में नहीं आता क्या लाख बात की एक बात उन्होंने बोल दिया है कि 3 महीने की वेटिंग है। और अगर देख तेरी जिद है तो तू मतलब कि सुजुकी कोई भी गाड़ी ले ले आराम से, वेटिंग पीरियड कुछ नहीं है। अभी हाथ से आदमी नहीं करवाने खड़ी, नहीं यार दो गाड़ी खड़ी है। अरे ये प्राइवेट मतलब वो उनकी है यार, ये टेस्ट ड्राइव करवाते, रेड प्लेट है देख। वो हम व्हाइट लगा लेंगे, हटा इसको, हटा उसको। ये यार ये हलवा समझ रहा है भाई, लेना है जैसे मेरी बात सुन।
नहीं हो सकता एमएटी दिला दे एमएटी तो पड़ी मेरे घर पर सुन मेरी बात सुन ओमनी वैन ले ले तू ओमनी वैन में क्या स्कूल में चलाऊंगा क्या अभी की अभी मिल जाएगी तुझे नहीं का ये तो यही चाहिए नहीं तो भाई इसके लिए वेट करना होगा यार अगर तुझे कुछ चीज चाहिए तो उसके लिए वेट करना होता है वो घोड़ा है वो उनसे बात कर जाकर इतना कोई पागल है यार बिलिंग हो रखी है वो थे नाम करेंगे भाई यहाँ पर आप देखो यार हम क्या पागलबंदी कर रहे हैं यहाँ पर भैया मैंने खुद ने 4-5 महीने वेट करा इस गाड़ी के चक्कर में अच्छा आपने भी वेट किया बड़ी मुश्किल से मिली आज भी जेट शेट लगवाया फोन वोन करवाया तब जाकर तो गाड़ी मिली है उसमें भी नाटक कर रहे हैं 1 बजे देंगे 2 बजे देंगे 3 बजे देंगे अच्छा अभी तक भी नहीं होगा हाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं जूते खिलवाएगा हमारे कितना गुस्से में बोल रहे थे 4-5 महीने कितना गुस्से में बोल रहे थे पागल हो चुका है बिल्कुल पागल गाड़ी के चक्कर में सही बोल रहे हैं वो देख माला लेके खड़ा है माला लेके पता है पूरी तैयारी है इसको तू तू हाँ हाँ तू जा मेरे पास तू जा बात कर ले जा सर हमें दे देना जा जा ये कंपनी बड़ी वहाँ से जाकर लो ना ये कैसे दे दो ये मेरे नाम चढ़ी गाड़ी आपको ऐसे दे दो वेटिंग चल रही 6 महीने चलेगी वेटिंग तो ये कोई सब्जी थोड़ी ना जो मैं खा रहा हूँ आपको भी दे दो थोड़ी आप बाद में ले थोड़ी जरूरत गाड़ी की जरूरत है तभी तो लिए और जरूरत क्या बात है शौक के लिए लेते हैं गाड़ी तो चलाने वाले तो क्या पैदल चल सकते हैं गाड़ी में चल सकते हैं बोल दिया भैया ले जाओ आ जाओ नहीं नहीं भाई क्या ले जाओ हवा का काम है ले जाओ ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप ले जाओ गाड़ी अरे ये कौन है ऐसे कैसे बात कर रहा है ये ले जाओ सब्जी थोड़ी ना खेत में उगाई हुई है तोड़ के आपके दे दो थोड़ी इनको दे दो थोड़ी इनको भीड़ दे दो भीड़ भाई उमेश भीड़ देखो वो मैनेजर साहब रहे उनसे जाके बात करो आप मुझसे क्यों बात कर रहे हो यार मैनेजर साहब गलत बात है ना यार आपके राज में हमें कोई भी आके ऐसे बोल रहा है भाई गलत बात आपका क्या नाम है अब मेरे को हंसी चल रही है आप लोगों को देख के क्योंकि आप लोग ऐसे आ रहे हो गाड़ी दे दो कुछ सब्जी बिक रही हो थैले में गाड़ी दे दो गाड़ी दे दो गाइस बड़ी मुश्किल से ना किशोर को वापस हम समझा के ले जा रहे हैं भाई यार जिद करने लगा है यार फालतू की जिद मार दे रहे हो थप्पड़ मार दे रहे हो थप्पड़ मार दे रहे हो इज्जत के काकरे करवा दिए यार यहां पर वापस आ रहे हैं पागल ले जा रहे हैं पागल उड़े ले इसको मार दे रहे हो अगर तूने 4 महीने वेट किया हो किसी चीज के लिए मैं तुझे बोलूं गाड़ी दे मुझे दे गाड़ी मेरा नाम बिलिंग करवा बोल के जरा तो मुझे दे गाड़ी ये सब्जी है क्या ये सब्जी है क्या तो दे दो तोड़ के मैं किशोर पागल हो चुका है आज ओ यार मेरी बात सुन एक बार है ना अपन भी ट्राई करते हैं यार दिलवा देते हैं उसको बात सुन वही उधर है इधर मेरी बात सुन हट दे यार मुझे भी लेनी है एक बार अपन भी ट्राई करते हैं क्या तो मान जाए जानते हैं क्या मेरी बात सुन अगर है ना अपना कनेक्शन में तो निकल गया है ना तो दे देगा अपने कनेक्शन में है क्या वो कोई बंदे का नाम क्या नाम पूछ उस बंदे का चैनल तो जानते ही होगा वो चैनल तो जानता होगा चैनल जानता होगा फिर तो तो बाकी भाई मुझे नहीं लग देंगे जन्मदिन आज आपका नाम क्या आधार कार्ड भैया का आधार कार्ड ये कैसा आधार कार्ड है पुरुष पुरुष बर्थडे तो है भाई बर्थडे है तभी तो बोल रहा था मैं दे यार यार करवा दो देखो करवा दो गाड़ी कैसे चढ़ सकती नाम है जो मेरे नाम है बिलिंग नहीं मैंने पूछा था बिलिंग नहीं बात ये एक दो किस्त ये भर देगा
इससे तो सारी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं क्यों करूंगा। चलो मेरी बात सुनो, मैं गाड़ी दे दूंगा, मेरा 5.5 लाख तो डाउन पेमेंट है। 5.5 लाख? हाँ, उसके बाद आप कैश मत दो, एक ट्रिप करवा देना बढ़िया, मजा आ जाएगा। ठीक है, ओ बढ़िया, आप चलाओगे, डाउन पेमेंट कितना? ठीक है, डाउन पेमेंट कितना? 5.5 लाख। गाइस यहाँ पे मुझे बर्बाद कर रहा है ये, 30 लाख की गाड़ी दिलवा रहा है बाजू में। मेरे बेटे की दो फटाफट, भैया को दो फटाफट दो आपके, भैया आप ट्रिप ही कराओ नहीं। देखो ट्रिप तो बनती है यार, मैं अगर 4-5 महीने वेट करके गाड़ी इस भाई को दे रहा हूँ तो ट्रिप तो बनती है। हाँ लेनी है, मान गए। फाइनली यार भैया मान तो गए हैं, केवल एक हिमाचल की ट्रिप के लिए बोला है। कोई नहीं यार, हम घूमते रहते हैं, कभी उनको भी साथ में ले जाएंगे, उसकी तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है। और अब हमारे को उनको पैसे देना है, मतलब कि उनका हिसाब अलग होगा, फिर बाद में शोरूम का हिसाब अलग होगा। अभी है ना, शोरूम वालों को भी हमारे को बताना है कि इस गाड़ी को अब आप हमारे नाम पर बिलिंग करवाओ। चेक निकाल रहे, इसमें से चेक निकाल रहे, इस बे का निकालना भाई। देखो यार कितनी हालत ख़राब हो रही है यहाँ पर। नहीं कोई नहीं यार, अब खुशी है दिल के अंदर क्योंकि अपनी नई गाड़ी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, खर्चा तो हुआ, थोड़ा ज़्यादा ही खर्चा हुआ क्योंकि आराम से हम ट्रिप में जाएंगे तो यार 2 लाख के समथिंग तो खर्च हो ही जाएंगे भाई, पूरी टीम साथ में जाएगी। कोई नहीं, सह लेंगे भाई, नई गाड़ी आ रही है, अब तो थोड़ी खुशी हो रही है यार। ओए किशोर ने जिद तो की थी लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा आ गया गाइस। तो गाइस ये रहा चेक, ये लो भैया। ठीक है, मैंने कैश के लिए बोला था ना आपको। चलो ठीक है यार, बहुत बहुत बधाई आपको। बिलिंग करवानी है ना, तो चलिए गाइस अब है ना फटाफट से बिलिंग करवाते हैं क्योंकि बिलिंग में भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा भाई, इतने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। अब पता नहीं ऑफिस कितने बजे बंद होगा, या 6 बजे भाई, टाइम बहुत कम है, फटाफट से बिलिंग करवाते हैं, आ जाओ। भैया मेरी गाड़ी अभी मैं ले रहा था 4 महीने, आपको बताया था वेटिंग में, तो मेरी गाड़ी में इनको नाम दे रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरे को बिलिंग तो नहीं हुई ना अभी। नहीं, बिलिंग नहीं हुई है। आप एक काम करिए, वो डाउन पेमेंट था जो मैंने जमा कराया वो तो मैंने इनसे ले लिया। अच्छा, अब जो मेरी गाड़ी में इनको दे रहा हूँ, क्योंकि भाई भाई का वो बर्थडे बर्थडे है। ठीक है, मेरा अमाउंट है, ठीक है, मैं इनके नाम ट्रांसफर कर रहा हूँ। ओके ओके, नो इशू। बाकी मिल जाएगी गाड़ी अपने। ठीक है, थैंक यू कॉफी पियो फटाफट, सबको पिलाओ मेरी तरफ से। गाइस फाइनली अपना काम हो चुका है और हमने ना लगभग 6 घंटे में गाड़ी खरीद ली है यार, कितना फास्ट। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। ओके ओके, तो भैया आप कुछ और डॉक्यूमेंटेशन फाइल साइन कर दीजिए। अच्छा, फाइल साइन करनी, जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दीजिए, बाकी और कुछ नहीं। चलो ठीक है, आज मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि यार अपन गाड़ी खरीद लेंगे, वो भी न्यू। कुल मिला के ना साइन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गए, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि जो अपनी गाड़ी है ना वो धुलने वाली है और थोड़ी देर में गाड़ी होगी अपने पास में। जी हाँ दोस्तों, हाँ आने वाली है थोड़ी देर में, फाइल वगैरह साइन कर ली। अब तो तू पार्टी देगा मेरे को, ये देगा पार्टी, बर्थडे इसका, मेरे से मत मांग लेना गाड़ी की पार्टी। कुछ नहीं मांगेंगे इससे, मांगेंगे भाई, मैं तो चूना लगा दिया 30 लाख का, लेकिन कोई नहीं, खुशी है गाइस, मुझे गाड़ी चाहिए थी और अच्छी गाड़ी है स्कॉर्पियो एन, वो भी टॉप मॉडल। तो गाइस यहाँ पे आप देखो भाई, अपनी गाड़ी को माला पहने ही जा रही है, ये माला भी उन भैया की है। जल्दी पहना लो उस गाड़ी में, अरे बोनट उठा इसका, बोनट भाई, किशोर तगड़ा खुश हो रहा है यार। फाइनली गाइस जो किशोर की विश है वो पूरी हो चुकी है, अपन ने ले लिया न्यू कार और अब यहाँ पर ओए उसको कट करवाना केक, केक कट करवाना, यस अब काटूंगा मैं केक। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, मां नहीं तो मां नहीं की रुक जा, ले खा। ओए मेरी बात सुन, ओए ऑर्डर चला, 2 चीज की बधाई देगी अब, एक तो न्यू कार की, एक इसके बर्थडे की। गाइस 2 चीजें एक साथ हुई है भाई, देख लो आप। और मैं आपको बताना चाहूँ ना, पिछली बार हमने जो ली थी ना गाड़ी बोले वो भी इसी डेट को ली थी। क्या तू लकी है यार किशोर, मेरे लिए काफी ज्यादा लकी है यार। तो गाइस अपनी गाड़ी को मैं चला रहा हूँ फर्स्ट टाइम, चलने दे, उधर काट लो, उधर कम। तो गाइस यहाँ पे आप देखो हमारे को चाबी मिल चुकी है इतनी बड़ी, थैंक यू सर, कोई मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। तो गाइस यहाँ पे आप देखो ये हमारे को गिफ्ट मिल चुका है, ये इसमें क्या है, अच्छा पूजा का सामान है, और गाइस पता नहीं क्या है, बाद में अनबॉक्सिंग करेंगे। ठीक है, मिल गया तुझे, यस अब जा तू यहाँ से, बोले आ जा अपन आराम से ट्रिप पे जाते हैं, गाड़ी में जाऊंगा। ओए इसको पीछे बिठाएंगे, अब गाड़ी को बाहर लेके चलते हैं यार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों अपनी स्कॉर्पियो एन का इंटीरियर, किशोर बैठ चुका है चलाने के लिए। किशोर अब तो खुश है, यस
और अब हमारी गाड़ी निकल रही है बाहर। भाई यार इतनी खुशी हो रही है क्या बताएं आपको भाई, अपनी न्यू गाड़ी आ गई यार, नया घोड़ा भाई, काफी पावरफुल है। एक और वीडियो बनाएंगे हम जिसके अंदर आपको है ना सारे फीचर्स वगैरह बताएंगे भाई, 4x4 है, ऑफ रोडिंग भी करेंगे, बहुत कुछ करने वाले हैं, काफी कमाल धमाल वीडियो आने वाली है। तो सबसे पहले तो है ना इस वीडियो को लाइक कर दो और कार के लिए भी आप बधाई दे दो और इसके बर्थडे के लिए भी भाई, दो काम एक साथ, गेट पास। Bye-bye.